बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू parkdeal.com.pk। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले एक वीडियो में लिखा था चांगन कारवान की, उसके बाद मैं कल एक वीडियो आपको सामने शो की है जो कि प्रिंस DFS K07 की, क्योंकि दोनों जो है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल भी आती हैं और इसके अलावा लोडर वैन भी इसको कह सकते हैं, पिकअप वैन भी कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज इधर इनकी यूजेज के लिए भी आती है, पर्सनल होम्स के लिए भी यूज़ होती हैं। तो नाज़रीन, आज इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता है। कुछ कमेंट सेक्शन में भी एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने उन कमेंट में रिक्वेस्ट की, और माजरत करता हूँ कुछ लेट हो गया इस वीडियो को लाते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों की प्राइस से। देखिए, जहाँ तक प्रिंस DFS K07 की प्राइस का ताल्लुक है, वो भी 10 लाख प्लस में आती है। इसी के साथ साथ चांगन कारवान वो भी 10 लाख की रेंज में आती है। मीन दोनों के अंदर स्लाइटली डिफरेंस है, तो इन दोनों की जो प्राइस लीग है वो 10 लाख है। मीन इसको अंडर बजट सीरीज़ भी कह सकते हैं और बजट सीरीज़ के अबव भी कहते हैं। खैर, आजकल तो बजट सीरीज़ तो 10 लाख की कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल रह गया, क्योंकि अब आल्टो है आपके पास या ब्रेवो है, इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है 10 लाख से नीचे। अपकमिंग आल्टो भी बेस वेरियंट उसका 9 लाख प्लस पे होगा, और ब्रावो है 9 लाख में आ गई है, उसके बाद प्रिंसिपल है वो भी एटलीस्ट जो है वो 8 लाख की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मगर वो भी जहाँ तक आती है तो ये भी इंशाल्लाह हालात ऐसे रहे तो 10 लाख से ऊपर ही आएंगे, तो गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए भी। उसके बाद करते हैं इसके इंजन की स्पेक्स की बात, जो कि DFS K07 का जो इंजन है वो भी 1000 cc है, 997 डिस्प्लेसमेंट करता है, टॉर्क जो है 78 प्रोड्यूस करता है, जबकि कारवान का जो इंजन है वो 1000 cc है, 999 डिस्प्लेसमेंट cc आपको देता है और 68 हॉट जो टॉर्क है वो आपको देता है। मीन कारवान का इंजन जो है वो आपको टॉर्क कम प्रोड्यूस करता है और K07 का आपको टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देखें, दोनों के ऊपर जो टॉर्क होता है वो आपके RPM पे होता है, आपके RPM कितना है। इवन कि अगर मैं वैगनर की बात करूँ तो 35,000 RPM पे वो एक आपको अच्छा NM प्रोड्यूस करके देगा, मगर जो उसकी एवरेज है वो बहुत काफ़ी डाउन होगी। तो लिहाजा अगर आप टॉर्क के पीछे लगे रहेंगे तो फिर एवरेज डाउन होगी। फिर आप लोगों के कमेंट सेक्शन होते हैं कि भाई एवरेज कैसे बने, तो लिहाजा टॉर्क और इन चीज़ों का ना देखें, एक स्टैंडर्ड वेरिएशन पे ये फैक्टर फिगर्स निकलते हैं, ना कि हर किसी के अपने वे ऑफ पॉस्चर पे। अगर इंजन टाइप्स की बात करें तो कारवान के अंदर जो इंजन है वो इनलाइन 3 सिलेंडर के साथ आता है, और फ्यूल जो इसके सिस्टम लगा है गैसोलीन मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। जबकि K07 के अंदर अगर देखें तो जो है वो 4 सिलेंडर 8 वैल्यू 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आता है, कूलिंग इंजन सिस्टम लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इसके अंदर फ्यूल सिस्टम लगाया गया। जहाँ तक डायमेंशंस का ताल्लुक है तो चांगन कारवान की जो डायमेंशन है वो 3980 mm है, लेंथ विड्थ जो है वो 1620 mm है, हाइट जो है वो 1890 mm है। इसी के साथ साथ K07 की जो वो आपके पास लेंथ मिलेगी वो होगी 3795 mm, विड्थ जो होगी 1560 mm, हाइट जो होगी 1925 mm। जहाँ तक अगर इन दोनों की सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो चांगन कारवान में भी 7 सीटर है और इसका प्रिंस DFS K07 में भी 7 सीटर ही मिलती है आपको। कर्व वेट की अगर बात की जाए तो कारवान के अंदर आपको 1130 kg का कर्व वेट मिलता है गाड़ी का, और जबकि K07 में आपको 1030 का कर्व वेट मिलता है। ब्रेक्स दोनों में सेम आपको मिलती हैं, दोनों पे फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। जहाँ तक सस्पेंशन का और ओवरऑल गाड़ी लोड उठाने का जो वजह बता दूँ, इस लिहाज से कारवान प्लस पॉइंट पे है, क्योंकि कारवान के अंदर फ्रंट में भी स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगी हुई है, रियर के अंदर भी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, जबकि K07 के अंदर फ्रंट में कॉइल स्प्रिंग है और रियर में कमानी है, फाइबर कमानी, जो कि एज कम्पेयर आपकी बोलान मेहरान रावी और इन लोडर्स वैन में चल रही है। तो ये इसका माइनस पॉइंट है K07 का, आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर से और उसके पॉइंट के दौर से। जहाँ तक टायर्स का ताल्लुक है तो कारवान के अंदर जो है वो 175/70R14 का टायर मिलता है, K07 के अंदर आपको 165/70R14 का टायर मिलता है। कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो K07 में 40 लीटर की है, कारवान में भी इससे रिलेटिव इवेंट ही होती है, मीन 35 से 40 की अप्रॉक्स करती है, जबकि K07 के अंदर अगर इंजन ऑयल जो डलता है वो 3.2 लीटर का है, और कारवान के अंदर 3 लीटर 3.2
इस तरह डलता है, क्योंकि अब देखा जाए अगर 800 सीसी की ली की गाड़ियाँ देखा जाए तो इसी तरह दो गाड़ियों के अगर सेम कंपनी की दो डिफरेंट कंपनी के सेम इंजन है सीसी के अंदर, तो उसमें 2.3.2 इस तरह का लीटर का इंटेक का मसला आता है। ज़्यादातर ये मैकेनिक्स की अपनी भी कुछ टर्म्स होती हैं कि इसमें इतना डलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने मैकेनिक्स में मेरा वास्ता है, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये आप इस गाड़ी में इतना डाल दो तो मेरी फलां सेम गाड़ी में इतना डलता था। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये इतना ही डलता, ये तो कंपनी ने इतना डाला, जबकि एक्चुअल जो है वो मैनुअल जो बुक कहती है कंपनी कहती है, हम उस पर कभी भी नहीं चलते। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन ही मिलती है, जो कि 5 स्पीड पावर्ड है, और इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। क्लच दोनों में हाइड्रोलिक है, दोनों की टॉप स्पीड 105 है, K07 की, कारवान की जो है वो 110, 120, 105, 1 इसके, क्योंकि जो इनकी लाइट कमर्शियल व्हीकल होती हैं इनकी ज़्यादा स्पीड नहीं आप लगा सकते। मीन अगर बोलान भी है तो 80-110 तक हाई स्पीड जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा जाएगी तो उलटने का भी खतरा है। जहाँ तक फीचर्स की बात की जाए तो K07 के अंदर जो आपको फीचर मिलते हैं वो फॉग लैम्प स्टैंडर्ड मिलते हैं, हीटर मिलता है, एसी मिलता है, ड्यूल कैबिन एसी मिलता है, AM/FM सिंपल मल्टीमीडिया कंट्रोल इसका सिस्टम मिलता है, और फ्रंट टो हुक का जो पॉइंट है बम्पर के अंदर वो भी स्टैंडर्ड है। इस तरह कारवान के अंदर भी आपको एसी मिलता है, हीटर मिलता है, एसी ड्यूल कैबिन मिलता है, और जो मल्टीमीडिया सिस्टम है वो दोनों आपको मिलता है, और फ्रंट टू हुक भी है, साथ ही साथ फॉग लैंप्स हैं दोनों के अंदर। सेफ्टी फीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो दोनों के अंदर मुझे सिर्फ सीट बेल्ट ही सेफ्टी फीचर नज़र आए, इवन के डिस्क ब्रेक्स भी नहीं है, इवन के इसमें ABS ब्रेकिंग भी नज़र नहीं आई, डिस्क ब्रेक सॉरी फ्रंट में है, ABS ब्रेकिंग नहीं है, एयरबैग्स नहीं है, कीलेस एंट्री नहीं है, स्मार्ट एंट्री नहीं है, उसके बाद जो है आपका इमोबिलाइजर कीज ऑप्शन भी नहीं है, सिक्योरिटी अलार्मिंग ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है के पावर स्टेयरिंग दिया गया दोनों के अंदर, डिस्क ब्रेक्स, पिस्टन सेंसर ब्रेक्स दी गई हैं, उसके साथ साथ एक कारवान के अंदर जो है फ्रंट और बैक पे दोनों में सस्पेंशन कॉइल दी गई है, कारवान के अंदर जो K07 है उसके फ्रंट पे कॉइल है, रियर में कमानी है। तो बाकी अगर आप इन डेप्थ इन दोनों के डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैं 2 वीडियोज लेके आ चुका हूँ, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप दोनों वो देख सकते हैं, ये कंपैरिजन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको चांगान कारवान और प्रिंस DFSK K07 दोनों के कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पाक डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स और वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहाँ पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। pakdeal.com.pk पे किसी भी किस्म की आपने चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उसका ऐड लगाएं और डील बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।